Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of 6.4. Diagonals of trapezium ABCD with AB is parallel to CD. AB is parallel to CD given in trapezium mein and intersect each other at point O. Dono diagonals jo hai AC and BD intersect each other at O if AB is equal to double of CD. AB side jo hai wo badi leni hai hame, is baat ka dhyan rakhna hai kyunki AB is equal to double of CD given hai. Find the ratio of areas of triangles AOB. This is AOB and this is COD. अब हमें इसमें क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स को हमें पहले सिमिलर प्रूफ करना है. इफ़ दे आर सिमिलर देन एरिया ऑफ बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ टू साइड्स. तो हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे गिवन डायगनल ऑफ ट्रेपेजियम से लेके डबल ऑफ सी डी तक. और टू प्रूव आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी. आई विल स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ. पहले दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अगर ए सी हो आपके पास ए सी इज द ट्रांसवर्सल तो इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं एंगल डी सी ए डी सी ओ इवन इज इक्वल टू ओ ए बी. बोथ ऑफ दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. इसी तरह से ये एंगल भी सिमिलर हो सकते हैं डी एंड बी. मीन्स एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए. दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स एंड वन एंगल इज हेयर सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बी. दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अच्छा एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने सी डी ओ लिया हुआ है सभी में, तो यहाँ पे ट्राइंगल सी डी ओ कर लो. और ये दिस इज ए ओ बी. नाउ सो ट्राइंगल सी ओ डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी. दिस इज बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल. अगर दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर प्रूव कर दिए हैं देन वी कैन एडजस्ट हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हमें पहले लेना है बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी. अब इन दोनों ट्राइंगल में जो साइड्स हमें गिवन है ए बी एंड सी डी वही लो. ए बी में ए ओ बी में ए बी स्क्वायर सी ओ डी में सी डी स्क्वायर. तो ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो. सॉरी ए बी स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा डबल ऑफ सी डी होल स्क्वायर बाई सी डी होल स्क्वायर. दिस इज फोर सी डी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर. दिस इज कैंसल्ड एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया फोर रेशो वन. दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now one doubtful question is also question number third and fifth. In figure 6.44, figure is given to us and DBC are ABC and DBC. ठीक है ABC and BBC are two triangles on same side BC. If AD intersect BC at O, AD intersect BC at O, diagonals intersect at O, show that this one is equal to this one. हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर. कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी इसमें, देन वी कैन एडजस्ट इट. क्वेश्चन नंबर थर्ड. एज लाइक दिस इज द ट्रेपेजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. यहाँ पे ले लो परपेंडिकुलर एम एंड लेट दिस इज परपेंडिकुलर एन. गिवन टू प्रूव यू कैन राइट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ऑल्सो बी सी सो दैट एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री.
CNO is also, DNO is also 90 degree. Now proof, we have to adjust here in triangle AMO and triangle DNO. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे. सिमिलर प्रूव करने के बाद एरिया एडजस्ट करेंगे. अब इसमें एक तो 90 डिग्री एंगल है, एक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और तो कोई इसमें एडजस्ट नहीं होएगा. तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल के अकॉर्डिंग सिमिलर हो जाएगा. ये एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, दिस इज 90 डिग्री ईच, एंड वन इज एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अकॉर्डिंग टू इट वी कैन एडजस्ट हेयर ए एम ओ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ, दिस इज बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल. तो हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं ए एम बाई डी एन, मतलब कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ. अब वी हैव टू एडजस्ट हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यही प्रूव करना है ना, बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी या डी बी सी. तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर फुल फॉर्मूला ऑफ एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. इन दिस ट्राइंगल बेस इज बी सी, हाइट इज, हाइट मीन परपेंडिकुलर ए एन. इसमें है हाफ ऑफ बेस तो सेम ही रहेगा इनटू डी एन. बी सी एंड हाफ कैंसल, इट इज़ इक्वल टू ए एम बाई डी एन. ये हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है. दिस इज़ बाय कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन की बजाय ए ओ अपॉन डी ओ. यही चीज़ हमें प्रूव करनी है, बिकॉज ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ. दिस इज प्रूव्ड. एंड वन मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इज क्वेश्चन नंबर 5th. एंड नेक्स्ट doubtful questions I will explain in my next video. Till then you have to solve the questions. Here question number 5th is DEF are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of area of DEF and ABC. As like question number 5th is, this is a triangle A, B, C. D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC, and C is the midpoint, F is the midpoint of AC. Join it, तो triangle DEF बन जाएगा. Small triangle and full triangle, we have to adjust its areas. Now given क्या है, गिवन आप पूरा लिख सकते हो डी ई एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, दिस वन, एंड टू प्रूफ में आएगा एरिया ऑफ डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ए बी सी. तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ प्रूफ. अब लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. ये तो आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th में की है. तो इसमें आएगा आपके पास डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. इसी तरह से अगर आप लो ये वाला साइड, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, एफ इज द पैरेलल टू ए बी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. तो ये साइड और ये साइड, इसके अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. सो
So D E D B E F is a parallelogram. तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास दूसरा आएगा. इसी तरह आप ये भी प्रूव कर सकते हो पैरेललोग्राम. सिमिलरली यहाँ पे लेंगे ए डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम. सिमिलरली एक ये भी पैरेललोग्राम बन गया. डी ई सी एफ इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. अब देखो ये दो ट्राइंगल्स हमने लेने हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ. अब ए बी सी ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हो गए. दोनों इक्वल होते हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस. इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग दिस इक्वल टू दिस एंड इस पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग दिस इक्वल टू दिस. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ टू ऑपोजिट एंग टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब तीनों के तीनों एंगल्स इनके इक्वल हो जाएंगे तो एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर प्रूव हो गए. फिर उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग आगे एडजस्ट किया जाएगा. एक तो है इसमें एंगल डी ए बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम है ये ए डी ई एफ. दूसरा एंगल लेंगे हम ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई. दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम विच वन बी ई डी एफ एफ डी. एंड थर्ड वन इज ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई. This is also opposite angles of parallelogram. Which one? ECFD. So, both the triangles are similar. Triangle ABC similar to triangle DEF. Tino triangles ke according by angle 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 similarity rule. Now we have to adjust area of triangle ABC by area of triangle DEF. अब कोई भी एक साइड एडजस्ट कर लो. जैसे ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई एफ की हो जाएगी एफ ई स्क्वायर. इनकी आप पैरेलल साइड से प्रूव करेंगे क्योंकि पैरेलल साइड हमने ऊपर एडजस्ट की है ना. इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट वन. तो ए बी के अकॉर्डिंग हो जाएगी हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर. ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर. तो ए बी को एज इट इज़ रखना पड़ेगा. दिस इज हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. दिस इज ए बी स्क्वायर बाय वन फोर्थ. वन फोर्थ मीन्स यहाँ पे वन आ जाएगा फोर आ जाएगा ऊपर. ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर कैंसिल. तो इट विल बी इक्वल टू फोर बाय वन. सो रेशियो ऑफ दीज ट्राइंगल्स इज इक्वल टू फोर रेशियो वन. This is the answer of this question. And next doubtful question I will explain in my next video. Till then, solve the exercise. Thank you.